किड स्टोरीज कॉर्नर। उकाब और उल्लू। दूर किसी जंगल में एक उकाब और एक उल्लू रहा करते थे। उकाब और उल्लू की बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन उल्लू ने उकाब से कहा, उकाब भाई, आप तो परिंदों का शिकार करते हैं और परिंदे खाते हैं, और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, हम दोनों की दोस्ती भी है तो आप मेरे बच्चों को मत खाइएगा। हाँ, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं खाऊंगा, लेकिन ऐसा करो, तुम मुझे अपने बच्चों के बारे में बता दो, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, ताकि मैं उन्हें न खाऊं। हाँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, सुनहरी परों वाले, सुरीली आवाजों वाले, खूबसूरत से बच्चे मेरे हैं, तुम उन्हें जहाँ भी देखो उन्हें मत खाना। सही कहते हो भाई तुम, मैं तुम्हारे पर बच्चों को नहीं खाऊंगा। वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। एक दिन उकाब उड़ते उड़ते एक दरख्त पर बैठता है। वहाँ उसे घोंसले में बदसूरत से बच्चे नजर आते हैं। आज तो मजा ही आ जाएगा, ये तो इतने सारे परिंदे हैं और ये तो बदसूरत से भी हैं, रंग भी इनके काले काले से हैं। तो ऐसा करता हूँ, इन्हें खा लेता हूँ, ये उल्लू के बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि उल्लू ने तो कहा था मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं। उकाब एक एक करके वो परिंदों के बच्चों को खा लेता है। जब वो सब खा चुका होता है तो उतनी ही देर में उल्लू वहाँ आ जाता है। अरे भाई, ये तुमने क्या किया, ये तो मेरे बच्चे थे, तुमने मेरे ही बच्चों को खा लिया। नहीं तो तुमने तो कहा था तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, लेकिन ये तो बड़े बदसूरत से, काले से और बुरी सी आवाजों वाले थे, मैंने उन्हें खा लिया। ये कहकर उकाब वहां से उड़ गया। उल्लू के अपना सा मुंह लेकर बैठ जाता है। पास ही वहां से चिड़िया गुजरती है, जिसने उनकी सारी बातें सुन ली होती हैं। चिड़िया उसको कहती है, भाई इसमें गलती उकाब की नहीं, सारी गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुमने उकाब से झूठ बोला था, उकाब को तुमने धोखा दिया था, इसीलिए उकाब को तो पता नहीं चला, उकाब किसी और के बच्चे समझकर इनको खा गया, और अब तुम्हें पता चला कि झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है। हाँ बहना, तुम सही कहती हो, मैंने ही गलत किया, मुझे उकाब को सच सच बता देना चाहिए था, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने कि किसी के साथ झूठ बोलने का और किसी को धोखा देने का अंजाम अपना ही नुकसान करना होता है। तो आपने कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना।